किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है।